हाँ भैया क्या कहते हो फिर, ले लें? ले ले। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोपहर के 2 बज रहे हैं और हाँ, ये मेरी ट्रॉफीज अपनी है। आगे जाके मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इन फ्यूचर मैं चाहता ही हूँ जो मेरा स्टूडियो हो जहाँ पे मैं बैठ के बात करूंगा, उसके बैकग्राउंड पे ये ट्रॉफीज रखी हुई हो और वॉल पे आर्ट वर्क हो और ये सारे सर्टिफिकेट्स लगे, तो वो एक काफी बेहतर सीन हो जाता है और वो सीन ही कुछ नेक्स्ट लेवल है। इंशाल्लाह अगर फ्यूचर में मेरे पास पैसे हुए तो ये सीन मुझे जरूर करना है। और अगर आप थोड़ा सा अपग्रेड और कर लो तो मेरा जो बेसिकली ड्रीम है वो ये है कि स्टूडियो में मेरे A74 रखा हुआ हो, अपर्चर 120D रखी हुई हो और एक RGB PC हो। ओफ, नहीं करो यार ऐसी बातें नहीं करो, फिर ना मैं ना उतावला सा हो जाता हूँ, फिर पता नहीं क्या हो जाता है अजीब सा। खैर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार टॉपिक कुछ और है और ये बातें कुछ और कर रहे हैं। आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अब कल मेरे साथ क्या हुआ, कल मैंने अलमारी खोली चेंज करने के लिए और मेरे मुँह से सिर्फ एक ही अल्फाज निकला है, यार कोई ढंग के कपड़े ही नहीं है। अब अशरफुल मखलूकात का एक फैक्ट होता है, आप अपने साथ कुछ भी कर लो लेकिन थोड़ा सा दिमाग में नाशुकरापन तो रहता ही है। तो इसी तरीके से कल मेरे दिमाग में थोड़ा सा नाशुकरापन आया और मैंने सोचा दादा अपने पास कपड़े थोड़े से कम पड़ रहे हैं। और जब भी आपके दिमाग में पैंट शर्ट की इमेज आती है तो आपके दिमाग में सिर्फ 2 चीजें आती है, या तो स्टोर्स या तो फिर ज़ैनब मार्केट सदर। इसी तरीके से नंबर 2 वाली बात मेरे दिमाग में आई, तो आज हम लोग जा रहे हैं ज़ैनब मार्केट सदर। दोपहर के 2 बज रहे हैं और देख रहे हो धूप कितनी हो रही है। लोग जाने वाले हैं ग्रीन बस में। अब देखो हम लोग ग्रीन बस में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सदर में बाइक गाड़ी ले जाना ना बहुत मुश्किल सा हो जाता है, तो इसलिए हम लोग ग्रीन बस में जा रहे हैं। तुम लोग क्रिएटिविटी पता है क्या होता है, अभी मैं बता दूँगा। नाउ यू नो व्हाट इज क्रिएटिविटी। अब जो भी पूछे ना उसको चुपचाप छुपके से बता देना। मेरी छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं यार। अभी हम लोग आए ज़ैनब मार्केट अल्ताफ भाई की दुकान पे। अल्ताफ भाई से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, पप्पा के दोस्त हैं, इसलिए हम इनसे पैंट लेते हैं। सिर्फ इनकी पैंट्स की शॉप है और ये पैंट्स मैं देख रहा हूँ अभी, एक ये थोड़ी, इस बार मैं सोच रहा हूँ कि एक डैमेज ले लूँ कोई और एक नॉर्मल पैंट ले लूँ। अभी डैमेज देख रहा हूँ, ये भाई निकाल रहे हैं और ये भी ठीक है, ये वाली भी है और एक ये वाली है। अब मुझे इन तीनों में से समझ नहीं आ रही कौन सी, ये सही है लेकिन थोड़ा टिकटॉक नहीं हो रहा है। हाँ ये भी ठीक है, कौन सी, ये वाली देखता हूँ मैं। अच्छा अल्ताफ भाई जो है ना, मतलब जो यहाँ से माल एक्सपोर्ट होता है पाकिस्तान से, ये वहाँ का माल लेकर आते हैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से। ये वाली, चलो ये वाली भाई, ये वाली एक कर दो ठीक है। ये ग्रीन वाली भी अच्छी लग रही है। पप्पा पप्पा मुझे बड़े डांटने वाले हैं, ये क्या लेके आओ फटी हुई पैंट है, लेकिन ये ग्रीन कलर पप्पा को पसंद है तो शायद एक ये भी कर देगा। अच्छा हुज़ैफ़ा भैया को ये वाली डेनिम जैकेट पसंद आ रही है। हुज़ैफ़ा को गाय हो या बकरा हो या जैकेट हो, हमेशा 50 लाख से ऊपर का माल समझ में आता है। ये भी मुझे बहुत महंगी लग रही है, ऐसा क्या कह ले यार। ये डेनिम जैकेट्स हैं, ये वाली, ये वाली, इसके प्राइस क्या है, इसके प्राइस क्या है, ये वाली के ये कर लेगा भाई थोड़े। हाँ वो तो कर लेंगे लेकिन फिर भी इनको बताना है पब्लिक है। 2500 रुपये, 2500 रुपये। हुज़ैफ़ा 2500। 2500, हाँ 2500 ले लो। ये मुझे इस तरीके की पसंद नहीं है, कभी कभी मैं ऐसे पहन लेता हूँ, वरना मैं ये अभी ले लेता हूँ। हाँ भैया क्या ले ले। अच्छा हुज़ैफ़ा भैया को भी एक पैंट पसंद आ गई है, ये पैंट है, ये कैसी है, सही है। चलो भाई हुज़ैफ़ा भैया की भी एक पैंट डन हो गई है और हमारी 2 पैंट्स हो गई हैं और एक डेनिम जैकेट। डेनिम जैकेट अंदर रख दी आपने, अंदर रख दी। हाँ बस ये वाली, ये मेरा साइज निकाल देगा ठीक है। जी जी ये सही है, साइज ओके था ना? नहीं ये थोड़ा छोटा था, एक साइज बड़ा निकाल देगा। एक अपनी डेनिम हो गई है, 2 पैंट्स हो गई हैं, एक हुज़ैफ़ा की हो गई ठीक है। हुज़ैफ़ा डन हो गया, बस इसमें से वही वाला एक निकालने बड़ा साइज। प्रिंटेड शर्ट्स हैं ये वाली और ये वाली, मुझे इनमें से ये वाली और ये वाली बड़ी पसंद आई हैं। इनके प्राइस हैं, क्या प्राइस है भाई? 1100। 1100 रुपये। ज़ैनब मार्केट में शर्ट्स अच्छी हैं, लेकिन अब लेने के लिए अपने पास थोड़ा सा बचा नहीं है, क्योंकि वैसे ही मैंने बहुत सारा सामान ले लिया और वैसे ही अम्मी से बड़ी सुनने के लिए मिलेगी मुझे आज। यार बस इतना बहुत है। एक कैप भी लेना था, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई अच्छा सा कैप दिख नहीं रहा, वरना अभी ले लेता हूँ। अरे अनस भैया, आप तो एकदम से बुआई में चेंज हो गए। पता है मुझे गर्मी बहुत है, लेकिन अब एक अजीम क्रिएटर ने कहा है कि गर्मी इज टेम्परेरी बट स्वैग इज परमानेंट, तो इतना तो चलता है यार। खैर, मैंने एक ये डेनिम जैकेट लिया और मैंने एक ये पैंट लिया, जो कि डैमेज है। ठीक है, ओके, ये एक हो गई, ये भी थोड़ी सी डैमेज है, लेकिन मुझे अच्छी लग रही थी, मैंने बोला उठाओ यार। और एक ये डेनिम लिया। अब बहुत से लोगों को ये होता है कि यार प्राइस बता दो, मेरे जूतों की वीडियो, लाइट हाउस वाली वीडियो में भी यही हुआ था कि मैंने उसमें प्राइस नहीं बताया था, लेकिन दूसरे लोगों ने फिर मुझे मैसेज करे कि यार प्राइस बताओ, क्या सीन है, तुमने प्राइस नहीं बताया। तो भैया मैंने ये पैंट लिया 800 या 900 समथिंग की लिए, और ये वाइट वाली भी मैंने 900 की लिया। तो ये 900 या 800 पता नहीं मुझे, हाँ 900 की थी। और ये डेनिम जैकेट उसने मुझे 2500 रुपये बोले थे, लेकिन मैंने उससे कम करा के 1800 या 2000 में उठाई है। तो ये तीनों चीज़ें मिला के 3600 to 3800 ऐसे कुछ समथिंग बन रहा था, तो ये पे करा है मैंने। और काफ़ी, लेकिन मुझे पैंट्स और ये डेनिम जैकेट बड़ी पसंद आई, सर्दियों में अपने लिए काम आएगी, लेकिन मैं गर्मी में भी पहनूंगा, क्योंकि भाई वही वाली बात आ जाती है ना, स्वैग इज परमानेंट। तो मुझे काफ़ी पसंद है। अभी बहुत गर्मी लग रही है, तो इसको हम लोग उतार लेते हैं। खैर, अपना तो सीन ये था, ज़ैनब मार्केट जिंदाबाद। और बाकी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने बड़ी सस्ते में ले ली हैं चीज़ें। बाकी जो भी है मुझे तो खैर सही लग रहा है। बस चलते हैं, नीचे कमेंट करके बताओ कि मैंने सही लिया है, गलत लिया, और मैं कैसा लग रहा था। बाकी मिलता हूँ मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़। आज बूम नहीं करेंगे, क्योंकि कैमरा थोड़ा सा दूर है ना, आज नहीं करेंगे।